मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया नहीं। आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांप नहीं रुकती। और इन्हें चाहिए कश्मीरी। मजा आया। ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए। और तुम कादे जगे हो भाई, केड़ी चीज जगी हो दसो। रुको जरा। तो भारत जो कि पाकिस्तान के वजूद को हजम नहीं कर पा रहा था, मगर क्यों? हमारे पास था जज्बा ईमानी, उस जज्बा ईमानी की वजह से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे। फिर भी हम आ गए हैं, फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं रहेगा। तो तू बिरयानी खाती हुई है, ये जो के गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता, गधा नहीं निकल सकता। इंडिया को रशिया ने ई वीजा देने का ऐलान कर दिया। तो रशिया, वो तो हमारा भाई है। थैंक्स। मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि जज्बा ईमानी, जो ईमान की ताकत होती है, ईमान का जज्बा होता है, वो सबसे बड़ा स्किल होता है। हमारे पास नहीं आते, इंडिया को क्यों ये फैसिलिटीज दी जाती हैं? कोई ठूक 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 ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने जैसे इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। रशिया ने ऐलान किया है इंडिया को ई वीजा देने का। जाहिल। चलिए जाहिलों के आनंद उठाते हैं, उनका जज्बा ये ईमानी देखते हैं, उनको हिलाले पाकिस्तान अवार्ड देते हैं। अबे साले, हम अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से भी पीछे रह गए हैं। हम ये बात ये सर को नहीं पता, अभी आपको पता कि हम अफगानिस्तान से भी पीछे हैं? नहीं, ये इलम नहीं। सर थोड़ा सा हमें स्टडी करने की जरूरत है। अगर जो आपके साथ पास के आपके आस पड़ोस में अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसे देखें और तरक्की मान लें। हाँ भाई, इंडिया वाकई में तरक्की कर रहा है। उसने चंद्रयान 3 भेज दिया, आपने न्यूज सुनी होगी। सर चांद पर वो चले गए, चांद से आगे चले गए, मार्स पर भी चले गए। वो इतनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्की कर रहे हैं। हम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि उनको कहीं किसी मैदान में बीट कर सकते हैं? फिर भी हम हर मैदान में उनको बीट कर लेंगे। कह रहे फिर भी हर मैदान में बीट कर लेंगे। अब हम आप इस माइंडसेट को नहीं बदल सकते, जो मर्जी कर लें आप बदल नहीं सकते। माइंडसेट बना कैसे है, ये बनाया किसने? ये है पक्का जाहिल। यस। इसकी नजर में सिर्फ पाकिस्तान बड़ा है और ये चूरन इनके लीडर चटाते हैं। यस। लेकिन हर लिहाज से फिर भी हम आगे आइए, एक सवाल जो है ना इंडिया से आगे। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? जो है वो हर हाल में हर चीज के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशीते लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। अच्छा, ये गलत कह रहे हैं? हाँ, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं। कौन सी टेक्नोलॉजी? ओ भाई, वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो। उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन। 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं? जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो। भीख कहाँ से मांगी है? 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का। 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं, जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं? यूएई के। आपका क्या है, 1 बिलियन ठेका है? हैं? आप किस बात की बातें करते फिर से? आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। हम आसमान पे जा रहे हैं, झंडा बनाएंगे। ओ भाई, झंडा आप जरूर बनाएं, लेकिन डंडा हमें दे दिया आपने। ये रातों रात 20 रुपए का जो डंडा दिया है, ये किस खाते में दिया है? हमें वो जिसका नाम लेके FIR हो जाती है, आप बताएं हमें उसकी हुकूमत काटती थी? कहां रोटी ते खा रहे थी असी? मरे ते नहीं हुए थी? तो इतने मार ही देता है डाकू आन के। ये जो के 2 बिलियन डॉलर आए हैं, वो जो के फुटबॉल मैच के, वो कहाँ गए? वो किसकी जेब में है? और बाजवा 16 अरब रुपया जो लेके भागा है यहाँ से आखिरी दिनों में, वो किधर गया? कोई हिसाब पूछना? और भाई छोड़ो, ये मुल्क अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं। ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए। और तुम कादे जागे हो भाई, केड़ी चीज जागे हो दसो? जवाब दे, इंडिया से किस चीज में आ गए? अस्करी लिहाज से हम आ गए। अस्करी लिहाज से? एक मिनट, केड़ी अस्करी लिहाज? चलो ठहर जा, अस्करी ते आ जा। केड़ी जंग जीती है भाई, जरा दस अज दसना, जंग केड़ी जीती है? 65 दी जंग, तुसी बकरी होके नठे हो। 65 की जंग, आप बकरी, आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है? उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ू करके वापस आई। आ जाए, ठीक है? 71 की जंग आपकी क्या है?
कोई पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा कारगिल क्या है, कारगिल किसने दिया उनको? मैंने दिया? आप अस्करी लिहाज से, अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो दो डिवीजन मूव कर देना आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा वाह, और चाचा ने क्या धो डाला, आय हाय मजा आ गया। ऐसे लोग होने चाहिए पाकिस्तान में, जाए लो सीखो कुछ इनसे, जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आ गया, और केड़ी अस्करी? जब मैशत ठीक नहीं हुई तो ठीक होगा। आप हमारे लिए अस्करी लिहाज से नहीं दोगे, मीटर कट के ले जाएंगे, मीटर कट के ले जाएंगे, तानू जहर देंगे, जहर तानू मिल जाएगा। ए बहुत अच्छा है काम है। समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ समझ आ रही। अब वो हमसे आगे या पीछे इंडिया? फिर भी हम आ गए। तो बिरयानी खाई हुई है, ये जो के गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से गधा नहीं निकल सकता। यार ये चाचा को रोस्ट होना चाहिए सच में, इसने गधा की बिरयानी खाई है या गधा पूरा इसके अंदर घुस गया है जो मतलब निकल ही नहीं रहा यार। इतनी देर में तो गधे के भी समझ में आ जाए, इतनी देर समझाए ना तो गधा भी बोल दे हाँ कि भाई इंडिया ही आ गया। मुझे बताएं आज से 2 साल पहले हमारी GDP क्या थी, हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 6.1 पे हम ग्रोथ कर रहे थे, आज आप -2 पे हैं। बातें आपकी सुनो, हम इंडिया से आगे हैं ठीक है। आपके रिजर्व क्या थे? $17 बिलियन थे, वो किधर गए 1 साल में ठीक है। ये बताओ बिजली का क्या, लोड शेडिंग का हाल यही था क्या? वो बिजली जो जिसका नाम ले, नाम आप ले दें तो पर्चा हो जाता है, वो बिजली घर ले गया किधर ले गया बिजली? ओ भाई गरीब को रोजगार मिला हुआ था, आपकी टेक्सटाइल कहाँ पहुंची हुई थी? हैं जब पार्लियामेंट डेड मेंबर आएंगे ना तो फिर ऐसा ही होगा। नहीं वो सिलेक्ट आप करते हो, ये डेड मेंबर है, ये 75 साल से ये हमारे मुल्क में छाए हुए हैं, ये डेड आप करते हो ना, ये डेड शेड छोड़ो, ये ऐसे फजूल की बातें उठा के फिर दोबारा लाओगे, ऐसा ही होगा। डेड ये क्या स्पेलिंग है डेड के, डेड मेंबर डेड थे। उसकी बात ठीक है, कौन वोट देता है, कौन देता है? आप सब एक नाम के वोट डाल दें फिर कुरान निकालें, आपके नाम का निकलेगा ही नहीं। बात सुनो, आज आज तुम्हें एक बात बताऊं, अगर आप तो पहली बात है कौम ही नहीं हो, कौम होते रात 5 लाख आदमी माल रोड पे निकलना चाहिए था, देखते कैसे ये पेट्रोल बढ़ा है। रात को तो आप सोते रहते हो, आप कहते हो एक शहीद, आज वो भुट्टो जिंदा है, अभी तक जिंदा चल रहा है ना, अब इसको भी मारो ये भी जिंदा रहेगा। चलो बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लास्ट में जो चाचा ने एंट्री मारी ना मजा आ गया, दिल जीत लिया। वाह चाचा आपको 21 तोपों की सलामी किट्टू भाई की तरफ से, यो किट्टू भाई। तो आज का वीडियो बस इतना ही, उम्मीद है ये जाहिल आगे भी अपना ऐसे ही मनोरंजन करवाते रहेंगे। Yes. आपकी क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना, आप अपना ख्याल रखना, साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल है किट्टू राव, उसको सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।